नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, डॉक्टर रवि जोशी। गायक तो है ही हैं, साथ ही साथ संगीत की शिक्षा भी देते हैं। और ये दोनों रोल कितने अलग अलग हैं, क्या इनकी चुनौतियां हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो पहला जो मूलभूत प्रश्न होता है रवि जी, वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई।
जी मैं बताना चाहूंगा, मैं मेरी पैदाइश उत्तराखंड नैनीताल की है और सीखने का सिलसिला बहुत बचपन से शुरू हुआ और इसमें कुछ बड़े अच्छे अनुभव रहे मेरे, क्योंकि नैनीताल एक ऐसा शहर है जहाँ संगीत की परंपरा जनमानस में भी बहुत सुदृढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ में एक होली गायन की एक बड़ी सुदृढ़ शैली है, जिसकी खासियत यह है कि पूस के पहले इतवार से ये होली शुरू होती है और एन होली खेलने के दिन तक ये होलियां चलती रहती हैं, क्योंकि पूस के पहले इतवार से शुरू होती है, तो ये होलियां निर्वाण की होलियों से शुरू होती है, जिसमें निर्गुण के भी पद होते हैं और थोड़ी सी में वो होलियां होती हैं, जिनमें समय के साथ जैसे जैसे बसंत ऋतु आती जाती है उसमें रंग आता जाता है उन होलियों में। उसी के साथ साथ यहाँ की रामलीला भी बहुत बहुत संगीत पूर्ण रामलीला है, संगीतमय रामलीला है, जो रागों पर आधारित है। यूनेस्को ने इसको एक धरोहर भी माना है। तो हमारे बचपन से हम ये सब चीजों से हम बच्चों को ये सब चीजें हम देखते सुनते रहते थे। मेरे घर में भी ये होलियां होती थी और मजे की बात यह है कि जो दिन में पान की टपरी लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो शाम को एक उस्ताद हो जाता था। इतनी उन लोगों को होलियां याद थी। तो मेरे घर में भी ये होलियां होती थी, मैं सुनता था, बीच बीच में आवाज लगाते थे हम लोग, जिसको भाग लगाना बोलते थे। तो ये कानों पे पड़ता गया और धीरे धीरे संगीत में रुचि मेरी होती गई। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और खासकर मेरे चाचा श्री जगमोहन जोशी, वो एक बहुत अच्छे कंपोजर हैं, उन्होंने बकायदा तालीम ली है तबले की, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। फिर जैसा कि होता है, संगीत के एक विद्यालय में मुझे डाला गया, लेकिन मुझे मजा नहीं आता था वहां पे और संगीत से मेरे को थोड़ी सी मेरा रुझान कम होता गया, क्योंकि मैं घर आके बोलता था कि ये जो जिनसे हम संगीत सीखते हैं ये भीमसेन जोशी की तरह तो नहीं गाते हैं। तो सीखना फिर छोड़ना, सीखना छोड़ना, ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद टर्निंग पॉइंट वहां से आया जहां से मेरी तालीम पंडित कुमार गंधर्व के एक बहुत सीनियर डिसाइपल यहाँ पर अरबिंदो आश्रम के मैनेजर के रूप में आए थे और वो 80 के दशक में यहाँ आ गए थे। किसी को ऐसे उन्होंने सिखाया नहीं, लेकिन बचपन में जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम सीखो ना सीखो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उनसे फिर मेरा सीखना शुरू हुआ और कुमार गंधर्व जी से पहला परिचय इन ढोलकिया जी उनसे हुआ, जो कि कुमार जी के साथ साथ ओमकार जी के भी शिष्य रहे। सीखना बदस्तूर मेरा चालू रहा, आज भी मैं उनसे सीखता हूँ। वो करीब 84-85 ईयर्स के हैं। अभी नैनीताल से वो स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली अरबिंदो आश्रम में रह रहे हैं। नलिन जी से बड़े कस के तालीम हुई और बिल्कुल पुराने तरीके से सीखना हुआ, जिसमें सीखते सीखते कब हथौड़ी आ जाएगी ये मालूम नहीं चलता था तबले की, तो ये भी वो करते थे। कुमार जी फिर समझ में आने लगा कि कैसे
क्या मैं घराना या ऐसा शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन उस थॉट को गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया। यहाँ से बीए की करने के बाद ये हुआ कि अब एमए करना है। उसी दौरान पंडित मधुमल जी का एक कार्यान्वयन नैनीताल में हुआ। ये दिल्ली आ रहे हैं, अब ये आपके पास आएंगे सीखने। फिर मधुब जी से शिक्षा हुई शुरू, और मधुब जी से सौभाग्य है कि मधुब जी से सीखना शुरू हुआ। और सुर का ज्ञान उन्होंने दिया कि सुर की क्या अहमियत है संगीत में। हम ऐसे ही नहीं गाना, सुर में गाना, तानपुरे के प्रति जो इम्पोर्टेंस है तानपुरे की संगीत में, तानपुरा कैसे मिलाना है, ये सब उनसे सीखना हुआ, जो बदस्तूर चालू है अभी तक। बिल्कुल, और उस पर भी रवि जी बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी आगे, लेकिन दो चीजें जी बहुत जरूरी हैं समझना। एक तो चूंकि मेरा भी बहुत संपर्क रहा है पहाड़ के लोगों से और दोस्तों मित्रों से, और बेड़ू पाको बारा मासा तो मतलब जैसे राष्ट्रीय गीत है वहां का। लेकिन मुझे ये समझाइए कि इस तरह की चीजें जिनको हम फोक भी कह सकते हैं, या आपने जैसे होली का जिक्र किया, एक ये खाका है, और आपने कहा कि पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी दूसरा खाका है। बचपन में पंडित भीमसेन जोशी को सुनने के संस्कार कहाँ से आए? क्या वो चाचा जी की वजह से आए? फिल्मी गाना सुनना, गजलें सुनना, थोड़ा बहुत लाइट क्लासिकल सुन लेना एक चीज होती है, लेकिन विशुद्ध रूप से शास्त्रीय गायन पंडित भीमसेन जोशी को सुनना, उसके लिए तो संस्कार चाहिए। क्या वो संस्कार चाचा की वजह से आए? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ होली गायक उस ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे से उस उन होलियों का प्रस्तुतिकरण करते थे, और उन होलियों में ही उसको राग को एक्सप्लोर करते थे, जो थोड़ा बहुत सीखे हुए होलियार थे। भीमसेन जोशी के प्रति मेरा बचपन से बहुत आकर्षण था, और एक कैसेट उस टाइम पे निकला था राम श्याम गुणगान करके, तो मैं उनके भजनों को कॉपी करता था। मुझे लगता है कि हर कला की शुरुआत नकल से होती है। कोई पेंटर भी हो तो वो पहले प्रकृति, बच्चा, वही पहाड़, नदी, फिर उसके बगल की एक झोपड़ी, ऐसे यहां से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही संगीत में भी होता था, मैं उनको एक्सप्लोर करता था। चाचा जी के वजह से भी ये मुझे दिशा मिली। तो ये बचपन में उम्र के तीसरे चौथे साल से संगीत के प्रति मेरा रुझान शुरू हो गया था। और अगर कुछ याद करके आप बता सकें कि उस समय, मतलब 4-5 साल से लेकर, या जब आप एक तरीके से कहें कि जब प्रॉपर संगीत सीखने लगे आप, उससे पहले तक में पंडित जी के अलावा और कौन-कौन से कलाकार थे जिनको आप सुनते थे, और जिनको आप भले नकल नहीं करते थे लेकिन जिनकी चीजें सुनकर आपको पसंद आती थी उस दौर में? उस दौर में भी कुमार जी को मैं सुनता था, और कुमार जी के भी कुछ रिकॉर्ड्स को मैं नकल करता था, लेकिन भीमसेन जी के प्रति मेरा ज्यादा आकर्षण उनकी ओर को था, क्योंकि इतनी अकल नहीं थी। कुमार जी का गाना खाली सुनने भर का गाना नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी समझ भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, कुमार जी का गायना तो कुमार जी को ही समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। उनकी गायकी तो खैर बिल्कुल अपने आप में है ही है, एक कलाकार जो जिनकी आवाज चली जाए उसके बाद जिस तरह से फिर वो उनका अपना गायन से दूर रहना, फिर वापस आना। और मैं अक्सर ये बात जी कहता हूँ रवि जी, कि हम लोग
प्रचलित उसमें जरूर कुमार जी को के भजनों की वजह से जानते हैं, लेकिन वो भजन कुमार जी के गायकी के पार्ट टू की तरह देखा जाना चाहिए। उससे पहले वो पक्का जो खालिस शास्त्रीय संगीत है, उसके तमाम राग, तमाम बंदिशें, और कितनी बंदिशें उन्होंने बनाई जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये तो बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, उसको समझना इतना आसान है नहीं। Thank you.
उनके पुत्र से भी सीखने का सौभाग्य मिला है, वो अनुभव हाँ, कैसा, मैं भूल गया वो अनुभव कैसा रहा? जी। मनुप जी से सीखते हुए इत्तेफाक से निमावर से मेरे चाचा जी किसी तरह से उनको फुसला के, यही पहाड़ में हमारा एक घर है, वहां ले आए। मुकुल जी को भी मालूम नहीं था कि मैं संगीत सीख रहा हूं, उनको लग रहा था कि ये बस ऐसे ही कोई लड़का है, कोई ऐसे। तानपुरा और वो सब वहां पे मैंने पहले से लाके रखा हुआ था। तो एक दिन सुबह वो किचन में कुछ बना रहे थे और मैं उनका ही गाया हुआ तोड़ी बाहर गाने लगा। तो उनको वो एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसी दिन से तानपुरा लेके वो मुझे सिखाने लगे। बहुत कठिन था उनसे सीखना, क्योंकि जैसा कि वो मनमौजी किस्म के हैं इंसान, तो अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ उनके साथ कोप अप करना बहुत कठिन काम था। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो बताई, क्योंकि महीना भर वो मेरे साथ थे, महीना 2 महीना करीब, बेहतरीन उनके, क्योंकि मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन था, हूं मतलब अभी भी। तो तोड़ी से ही उन्होंने शुरुआत करी मुझे सिखाने की। उनसे सीखना थोड़ा कठिन है, कठिन रहा, लेकिन वो मुझे प्यार भी बहुत करते थे। मुझे कभी उन्होंने नाम से बुलाया नहीं, कभी रवि नहीं बोलते थे, वो मुझे मुन्ना ही बोलते थे। तो स्नेह भी बहुत करते थे, लेकिन डांटना, और जैसे कि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो गाली वगैरह देने में भी वो परहेज नहीं करते थे। सुबह अगर मैं देर तक सो गया तो मतलब पिटाई भी हो सकती थी। अभी भी कभी कभी उनका फोन आ जाता है या मैं फोन पे उनसे जुड़ता हूँ, तो घंटे आधा घंटे किसी राग की तालीम फोन पे भी हो जाती है। बिल्कुल। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बस यही कह रहा था कि एक कलाकार को गढ़ते वक्त कई बार गुरु जो है वो अलग अलग हथकंडे अपनाता है, और जी सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करता है। उसमें कभी कभी पिटाई होती है, कभी हथौड़ी एकदम हवा में किसी मिसाइल की तरह आती है। कई कई कलाकारों का ये किस्सा है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ रवि जी, कि मुझे कई कलाकारों ने कहा, यहाँ तक कि एक दिन छन्नू लाल जी के बेटे से बात हो रही थी, राम कुमार जी से जो तबला बजाते हैं, उन्होंने कहा कि भैया अब लगता है कि बचपन में 4-5 थप्पड़ और खा गए रहे होते तो अच्छा रहता, थोड़ा और अच्छा सीख क्या बात है, गए। तो क्या बात है। ये नाराजगी, शिकायत, ये प्यार भरी वो होती है, और तभी शायद एक कलाकार गढ़ा भी जाता है। अब रवि जी, अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसका आपने हल्का सा संकेत किया था पहले जवाब में। पंडित मधुक मुद्गल जी के बारे में बात करते हैं, और उन तक पहुंचना कैसे हुआ पहले ये बताइए, फिर उनके उनके गुरु एक कलाकार के तौर पर भी बात करेंगे, लेकिन आप पहुंचे कैसे उन तक? जी, तो मैंने जैसे बताया कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान उनका एक कार्यक्रम यहाँ नैनीताल में हुआ, तो मेरे गुरु पंडित नलिन ढोलकिया जी ने उनको बोला कि अब रवि वहाँ आ रहे हैं दिल्ली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने, तो इनकी तालीम
रुकनी नहीं चाहिए, अब आप इनको देखिए। तो मैं दिल्ली पहुंचने के साथ ही गुरु जी मतलब भैया जी के पास सीखना शुरू हुआ, और मैं सच्चे शब्दों में कहूं तो सुर से मेरा परिचय मधुब जी ने कराया। मैं अभी भी वो जर्नी वो यात्रा चल रही है, लेकिन उनसे सीखना फिर शुरू हुआ। घर जाके सीखता था, अक्सर सुबह से वहां चले जाता था 5-5 घंटे। मधुब जी का बहुत स्नेह, वो अपने शिष्यों को पुत्रवत स्नेह मुझे मिला तो, और अभी भी मिल रहा है वो। तो उनके साथ सीखना शुरू हुआ, नई नई बंदिशें उनसे सीखी, नए राग सीखे उनसे। तोड़ी की तालीम तो बहुत लंबी उनसे चली, और तोड़ी का एक एक कोना, एक एक खाका उन्होंने जो है अच्छे से सिखाया हमको। तो और वो बहुत बड़ा दिल है मधुब जी का, बहुत स्नेह से उन्होंने सिखाया, और हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से श्रद्धा से उनसे सीखा और अभी भी सीख रहे हैं जी। वो जो राग तोड़ी की बात आपने कही रवि जी, वो दरअसल मुझे लगता है कि कुमार जी को पसंद करने वाले या कुमार जी से जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, वो उन्हीं की भाषा में अगर कहें तो एक राग को 360 डिग्री से देखते हैं। वो एक राग को सिर्फ उसके आरोह अवरोह से छोड़ देने से, या वादी संवादी, या ये पकड़ है जो बेसिक जानकारियां किताबों में मिल जाती हैं, या कई बार जब आप उसको बहुत ही ऐसे चलते फिरते समझते हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन असल में राग क्या है ये तो कुमार जी कहते ही हैं कि 360 डिग्री है, उसको हर तरफ से घूम के बिल्कुल देखो तो बिल्कुल वो अलग ही दिखाई देता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो बात मैंने कुमार जी के लिए कही, वो कुछ हद तक मधुब जी पे भी लागू होती है। बहुत सारे बिल्कुल लोग जो है मधुब जी को सिर्फ ये सोचते हैं कि वो तो भजन गाते हैं, जबकि आपने जब सीखने के प्रोसेस के दौरान ये देखा होगा, ये पाया होगा कि क्या कमाल की उनकी पकड़ है शास्त्रीय संगीत पर, शास्त्रीय गायकी पर, रागों पर, और आप तो कह ही रहे हैं कि सुर की समझ ही वहां से डेवलप हुई। तो एक गुरु के तौर पर जी। आपने उनको जब करीब से देखा, क्या कुछ पाया आपने उनके अंदर? हालांकि एक शिष्य के लिए गुरु को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम होता है, लेकिन एक एक कलाकार के तौर पर आपने उनके अंदर क्या कुछ देखा? जैसा आपने कहा, उनका शास्त्र उनका क्लासिकल संगीत इतना सुदृढ़ है। भजन लोग सोचते हैं कि वो केवल भजन गा रहे हैं, भजन के कलाकार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे आपने कहा कि कुमार जी राग का प्रोफाइल देखते थे, और मैं आपके पिछले इंटरव्यू को मैंने देखा जो मधुब जी का ही आपने इंटरव्यू लिया था। आपने बड़ी सुंदर बात एक कही थी कि वो हाथी की केवल सूंड नहीं देखते हैं, हाथी को चारों कोनों से उसको देखते हैं। कुमार जी भी वो कहते थे कि मैं पेंटिंग बना रहा हूं राग को, मेरे हाथ में ब्रश दे दिया, मैं स्ट्रोक्स राग के माध्यम से उस पर स्ट्रोक्स दे रहा हूं। मधुब जी ने एक बंदिश से तोड़ी हमारा काम नहीं चलाया, हमको अलग अलग तरह की बंदिशें दी। इससे तोड़ी की लिए दृष्टि इतनी खुल गई, तो मैं गुरु के रूप में, कलाकार के रूप में उनको अगर डिफाइन करूं तो वो सबसे अनुशासित गुरु और कलाकार हैं। शिष्यों के प्रति भी उन्होंने केवल हमको गाना नहीं, वरन संगीत के इतर संस्कारों को भी उन्होंने दिया है हमें, कि कलाकार को स्टेज पर किस तरीके से स्टेज मैनेजमेंट करना है, कैसे लोगों से कैसे डीलिंग करनी है,
ये भी, ये बातें बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मधुर जी ने संगीत के सारे, जैसे आपने हाथी की बात कही, तो वो सब चीजें भी हमको चारों कोनों से हमको समझाई। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के समय में कोई इतना अनुशासित कलाकार कोई होगा जैसे कि हमारे गुरु पंडित मधु कुंतकल जी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और परोक्ष तौर पर तो संगीत सीखा नहीं है हमने, लेकिन अपरोक्ष तौर पर संगीत का जो भी संस्कार यहाँ से वहाँ से पढ़ के, समझ के, सुनकर हासिल किया है, उसमें ऐसे लोगों से मिलना वाकई लगता है कि बस कुछ दिन तक वो याद ऐसे जहन में घूमती रहती है। अब आपने उस इंटरव्यू का जिक्र कर दिया तो मुझे उनका इंटरव्यू याद आने लगा, मुझे कलापनी दीदी का इंटरव्यू याद आ रहा है, फिर प्रभास जी के थ्रू, मतलब प्रभास जोशी जी के थ्रू जो हम लोग कुमार जी के किस्से सुन पाए, वो किस्से तुरंत एकदम ताजा हो जा रहे हैं। तो ये सब महान लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको ये बता दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनको भ्रम हो जाए, भैया जी कहते हैं मधुब मधुब जी को हर कोई, वहां पे जो गंधर्व महाविद्यालय है दिल्ली में उसमें सब लोग उनको भैया जी ही कहते हैं। ये उनके प्रति कुछ लोग का स्नेह है, कुछ लोग का प्रेम है, कुछ लोग का आदर है, उस भाव से ही है। आपने तो रवि जी उनके साथ एक बहुत विशेष यात्रा भी की है, और वो यात्रा इसलिए मुझे लगता है बहुत विशेष रही होगी क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाके कार्यक्रम करना और पाकिस्तान में जाकर कार्यक्रम करना राजनीतिक वजहों से ही बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। मैंने खुद 4 यात्राएं की हैं पाकिस्तान की, चूंकि मैं क्रिकेट कवर करता हूं, और बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा है जो हमने सुना है उसकी। उससे अगर आप तुलना करें तो जो वहां का आवाम है, जो वहां के आम लोग हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तानियों को। वहां की सेना, वहां की राजनीति, वहां का पॉलिटिशियन, वो सब हम छोड़ दें अगर, और सिर्फ पाकिस्तान को वहां के आम आदमी के नजरिए से समझें तो बहुत प्यार मिलता है। आप उनके साथ, मधुब जी के साथ गए थे और मंच पर आप उनका सहयोग कर रहे थे, किस तरह की यादें हैं वहां की? ये मेरी बड़ी सुंदर यादें हैं वहां को लेके, और मैं बहुत अच्छा लिखने में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी यादों को, एक खास याद को, मैंने उसको लिखने का भी प्रयास किया था। जहां तक संगीत की बात है, मैंने देखा कि उन लोगों की शब्दावली बड़ी अलग है संगीत की। अब वो, जैसे हम लोग थाट बोलते हैं, वो थाट को ठाट, जैसे ठाट बाट होता है, और किताबें सारी भातखंडे जी की फॉलो करते हैं। लेकिन मेरी बात हो रही थी तो बोलते हैं आरोही और अमरोही, और कुछ एक एक आध चीज मैंने और महसूस करी, जैसे हमारे वहां के कुछ राग हैं वो देवी देवताओं के ऊपर, उन राग, मसलन जैसे शंकरा है। तो अब लोग, उन्होंने क्या किया कि स्केल वही रखा लेकिन रागों के नाम भी बदल दिए, क्योंकि शंकरा कहने में वो थोड़ा सा मसला दूसरा हो सकता है। जो हमारी गाड़ी अबू फया अबू जो फयाज करके जो अवाल हैं उनका, वो लेने ही, वो उन्हीं ने हम लोग को बुलाया था। तो जो ड्राइवर था उससे मेरी बड़ी याराना हो गया था। एयरपोर्ट पे फाइनली जाते समय उसने मुझे अपनी सिंधी टोपी उतार के, और वो रोने लगा, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया। तो वो टोपी मेरे पास अभी भी है, इतनी सुंदर सिंधी टोपी, और बहुत ही प्यार मिला पाकिस्तान में। ये बिल्कुल भ्रम है कि ये ऐसा वैसा, जो आम वहां की आवाम है वो आपको मालूम, आप तो गए हैं, मुझे तो बहुत
अच्छी यादें हैं मेरी वहां को लेके। हम बीच पर घूम रहे थे तो एक कुछ चना या कुछ बेचने वाला अपनी ऐसे हाथ में वो लेके छोटी सी दुकान लेके घूम रहा था। मेरी इच्छा हुई तो मैंने उसको बोला भैया। भैया शब्द उन लोगों के लिए बड़ा अनयूजल था, तो मैंने कहा इसमें से थोड़ा सा मुझे चाहिए, मेरे पास पाकिस्तानी रुपया नहीं। उसने कहा भाईजान आप कहाँ से हैं? तो एक बार को तो घबराने लगा मैं, करते रहते मैंने पूछ कहा, मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो बड़े दिल खोल अंदाज से उसने मुझे कहा कि इसमें से जितना आपको चाहिए ले जाइए, क्योंकि मेरे दादा जान जो थे वो मेरठ के रहने वाले थे। और ऐसे ही बहुत सारी यादें हैं, मिक्स अच्छी सुंदर यादें हैं वहां को लेके। आप बोल रहे हैं और मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक जो समानता हमारे और आपके बीच इस आपके जवाब से निकल के आई, मैं भी जब लौट के आया और भारतीय ज्ञानपीठ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका छापता है नया ज्ञानोदय, और उसमें असगर वजाहत जो जी देश के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं उनका एक नाटक है जिन लाहौर नहीं वेख्या, जिन लाहौर ने देखा, तो वो नाटक छप रहा था। मैं आपकी बात को काट रहा हूं। जी निर्मल पांडे आपने नाम जानते ही बिल्कुल हैं, अच्छे से निर्मल पांडे हमारे शहर के ही हैं और मेरे घर के ठीक सामने वाला घर निर्मल पांडे जी का है। मैं अपने किशोर अवस्था तक नाटक भी करता था और अच्छे। निर्मल पांडे जी ने जिन लाहौर नहीं देखा को डायरेक्ट किया था, तो उसमें एक मेन भूमिका में मैंने एक्ट भी किया है। हाँ जी तो हुआ यूं कि वो उस नाटक का एक हिस्सा ज्ञानोदय में छप रहा था, और उस वक्त रविंद्र कालिया जी संपादक थे उस मैगजीन के, तो उन्होंने कहा कि तुम भी तो पाकिस्तान गए हो। मैंने कहा हाँ, तुम्हारी कैसी यादें हैं? बोले, मैंने कहा बहुत अच्छी यादें। बोले तुम भी लिखो। तो हमने लिखा, और जिस तरह आपने बताया कि उस चने वाले ने अपना दिल खोल के रख दिया, वैसे ही मेरे साथ जितने किस्से थे उसमें से कुछ किस्सों को मैंने लिखा। वो जब छप के आए तो उसके लिए उसकी इतनी खूबसूरत प्रतिक्रियाएं आई मेल पर और बाकी चिट्ठियों से। उसके बाद अब मैं 9 किताबें लिख चुका हूं, लेकिन पहली किताब जो मेरी थी वो पाकिस्तान के संस्मरण पर ही थी, और वो किताब फिर भारतीय ज्ञानपीठ ने ही छापी थी। ये जो है पाकिस्तान के नाम से, वो मेरी पहली किताब थी, और उसमें फिर उसका बाद में दिल्ली की उर्दू एकेडमी ने उर्दू अनुवाद किया। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मैं अंग्रेजी अनुवाद करना चाहता हूँ। तो कुल मिला जुलाकर बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो हम लोग जो सुनते आए हैं वैसा कुछ है नहीं, आवाम वहां का बहुत प्यार करता है हिंदुस्तानियों को। पर रवि जी, हम अब आते हैं एक दूसरे पक्ष पर भी, और वो पक्ष भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप पढ़ाते भी हैं, संगीत को पाठ्यक्रम की तरह से पढ़ाते भी हैं। ये दोनों चीजें कितनी जी अलग हैं? मतलब एक कलाकार जो मंच पे जाकर गा रहा है और एक शिक्षक के तौर पे क्लास में जाके पढ़ा रहा है, ये क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? और अलग हैं तो क्या अलग अलग रास्ते इसके कैसे अलग होते हैं? नहीं, एज अ परफॉर्मर परफॉर्म करना बिल्कुल दूसरी चीज है, और मैं ये कहूंगा कि सिखाना, शिक्षक बन के शिक्षा देना, खास तौर पे नैनीताल जैसा माहौल, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों से बच्चे आते हैं जिनके पास संगीत की बहुत बेसिक तालीम भी नहीं होती, तो उनको सिखाना थोड़ा कठिन काम होता है। लेकिन हम उन 2 सालों में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, इतना करने का भर प्रयास करते हैं कि बच्चा कलाओं को केवल संगीत तक मैं सीमित नहीं रहता हूं, मैं बच्चों को संगीत के अलावा और डायमेंशंस भी आर्ट के सिखाता हूँ। संगीत तो सिखाना मेन हमारा लक्ष्य होता ही है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से कर पाते हैं, अदरवाइज बाकियों को मतलब उनको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और आप जानते हैं कि 2 साल में बहुत
बेसिक सा ही वो सीख पाते हैं। तो शिक्षक के तौर पे मेरा यही भूमिका रहती है कि बच्चों को थोड़ा संगीत क्या है ये मैं समझा पाऊँ, और संगीत जिसको कहते हैं कि हर व्यक्ति तानसेन नहीं बन सकता, थोड़ा बहुत उनको कानसेन बनाने का कोशिश मेरी रहती है। रवि जी, मुझे तो लगता है कि जिस दौर में अभी हम हैं और जिस तरह से शास्त्रीय संगीत को लेकर जागरूकता की जरूरत है, उसमें अगर आप बच्चों को 10 शास्त्रीय गायक, 10 तबला वादक, 10 सितार वादक, 10 अच्छे पेंटर, 10 अच्छे साहित्यकार, इनके नाम तक अगर आप याद करा दें, अगर वो ये जान जाएं कि बहुत देश में पंडित भीमसेन जोशी कौन हैं या इस देश में पंडित कुमार गंधर्व का क्या योगदान है, और जी बिस्मिल्लाह खान से लेके, जसराज जी से लेके, और अगर पंडित रविशंकर जी से लेके, इन सबके नाम भी याद हो जाएं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आज की जनरेशन को इन नामों को समझना, इन नामों के द्वारा जो इस देश को दिया गया है वो समझना भी बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी प्रश्न जो है जी रवि, वो बहुत आसान भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी। आसान इसलिए है क्योंकि आपने ही वो कार्यक्रम सारे किए हैं, तो उसकी यादें तो सब ताजा ही रहती है, लेकिन पेचीदा इसलिए है कि कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों की याद ताजा कीजिए जो लगता है कि अभी कल की ही बात है जब ये वाला कार्यक्रम हुआ था। एक मेरे दिल के बहुत जो करीब कार्यक्रम है वो भक्ति उत्सव में जब मैं गाया था, वो उसकी स्मृतियां मेरे मानस पटल पे अभी तक बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है। और एक कार्यक्रम इसमें हैबिटेट सेंटर में मैंने गाया था, और जो कौस उस दिन गाया था वो ऐसा लग रहा था कि मैं दर्शकों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए गा रहा हूं। तो खास तौर पे ये दो कार्यक्रमों की मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। असल में तो आनंद ही तभी है जब आप अपने लिए गाएं, क्योंकि पंडित राजन साजन मिश्रा में, हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग कि राजन जी नहीं रहे, लेकिन राजन जी तो बहुत उससे कहते थे कि पहले गाने से हमको आनंद आना चाहिए, जब हमको आनंद आएगा तभी वो आनंद ट्रांसफर होके श्रोताओं में जाएगा। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है। रवि जी, आपने समय निकाला, बातचीत की, और आप बस कह जरूर रहे थे कि आप बोलने में थोड़े हल्के हैं, मतलब हल्के इन द सेंस कि बोलने में थोड़े संकोची हैं, गाने में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप गाने में भी संकोची नहीं है, बोलने में भी संकोची नहीं है। अच्छी बातचीत हुई हम अरे लोग की। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बतौर संगीत के प्रति जो आप जागरूक कर रहे हैं शिक्षक के तौर पर, वो तो चलता ही रहे, साथ ही मंचों पर आप अपने संगीत की, अपने गुरुओं की आभा को और मजबूत करें, सशक्त करें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और आपके सभी दर्शकों से मैं ये चाहूंगा कहना कि मैं शिक्षक न बन के हमेशा आजीवन विद्यार्थी बना रहूं। चलिए, तो फिर आपने ये बात कही, तो इस पे आखिर में जोड़ते हुए ये बताते हुए, संभवतः अगर आपने नहीं सुना हो तो पंडित बिरजू महाराज हमेशा कहा करते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं गुरु बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आज भी शिष्य हूँ, क्योंकि पहले मैं सीखता हूँ फिर मैं सिखाता हूँ, तो इसलिए मैं गुरु कहाँ, मैं तो शिष्य हूँ। तो ये सहजता, ये सरलता बनी रहे आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद सुवेन जी, धन्यवाद। नमस्कार।